होडल महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा वैश्य अग्रवाल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें होडल खंड की महिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष सविता चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस अवसर पर सविता चौधरी ने डॉक्टर रचना सागवान को होडल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, नीतू गोयल को उपाध्यक्ष, गायत्री देवी व कमलेश को महासचिव एवं अनीता देवी को सचिव पद का नियुक्ति पत्र सौंपा। कार्यक्रम में सविता चौधरी ने नव नियुक्त सभी पदाधिकारियों को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। जब बिजली चमकती है, जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। तो होटल विधानसभा हमारी छोटी बहन डॉक्टर रचना सागवान के उसमें नेतृत्व में बहुत जोरों से आगे बढ़ेगी और जो भी हमारा विधायक है उसके लिए जी तोड़ मेहनत करेगी और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे, हर महिला को घर घर से निकालने का कार्य करेंगे ताकि हम अपने अधिकारों की लड़ाई, अपने सम्मान की लड़ाई, अपने आत्मविश्वास की लड़ाई, अपने नेतृत्व की लड़ाई लड़ सके, अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ सके। आज हमारा देश जब कांग्रेस सरकार थी हरियाणा नंबर वन था, आज हरियाणा नंबर वन किस चीज में कर रखा है भाजपा वालों ने, आज हरियाणा नंबर वन भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस टाइम पे हरियाणा नंबर वन नहीं था, आज हरियाणा नंबर वन है। डबल इंजन की सरकार बोलती है लेकिन आज हरियाणा नंबर वन है तो नंबर वन है बेरोजगारी में, नंबर वन है भ्रष्टाचारी में, नंबर वन है क्राइम में, नंबर वन है आतंकवाद में। हमारी बहन बेटियां रोडों पर घूम नहीं सकती, घर से निकल नहीं सकती, अगर एक मिनट के लिए भी हमारी बहनें निकल गई तो किसी की गले में से चैन खींच ली जाती है, किसी के कान की पानी खींच ली जाती है, किसी साथ दुष्कर्म हो जाता है। तो ये भाजपा सरकार ने आज हमारा हरियाणा नंबर वन नहीं, हमारे हरियाणे को 50 साल पीछे कर दिया है। हमें सोचना है, हम आदि आबादी है, आदि आबादी को आज के दिन प्रण लेना है, कसम लेनी है कि अगर 2024 में सरकार बनेगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, कुमारी सरला जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी हरियाणा में और हमारी सरकार बनेगी, बेरोजगारी को दूर करेगी, भ्रष्टाचार को मिटाएगी, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगी। तो कांग्रेस सरकार एक ऐसी सरकार है जो 36 राज्य को साथ लेके चलती है, प्लस वन महिला क्रांति 37 राज्य को कांग्रेस पार्टी साथ लेके चलती है। हमारी महिला कांग्रेस की गठित कार्यकारिणी हुई है जिसमें हमने 5 पद लिए हुए हैं। डॉक्टर रचना सागवान जी को हमने जिंदल ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया है और जो 4 इनके साथ हैं उन्हें नीतू गोयल जी, कमलेश जी, गायत्री जी और अनीता जी, इनको ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया है और ब्लॉक की महासचिव बनाया है और इनको ब्लॉक की सेक्रेटरी। तो जो आपने नियुक्ति सौंपी है इससे क्या आपकी पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? इससे हमारी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, लगातार हमारी बहनें आगे निकल रही हैं और हम उन्हें घरों से निकालने का कार्य कर रही है, जो हमारी पार्टी की गतिविधियाँ हैं घर घर तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और एक महिलाओं के अंदर उत्साह पैदा होगा क्योंकि हमारी भी बहन, हम भी एक महिला हैं तो हम जब निकलेंगे तभी अपनी बहनों को निकालेंगे और इससे पार्टी को 100% फायदा होगा क्योंकि 50% अधिकार महिलाओं का है, आधी आबादी आधा हक, तो 50% महिलाएँ कांग्रेस पार्टी के साथ कांग्रेस जो यूपी में चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद क्या कहेंगे इस बारे में? यूपी में जो चुनाव हैं बहन प्रियंका गांधी जी काफ़ी संघर्ष और मेहनत कर रही हैं लगातार, जैसे पहले आप लोगों को भी पता है कि कांग्रेस का कोई वहाँ पे ग्राफ नहीं था लेकिन आज प्रियंका गांधी ने जो एक नारा लगाया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उससे महिलाओं के अंदर एक बहुत उत्साह पैदा हुआ है और वहाँ यूपी में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और लगातार संघर्ष करती रहेगी। मेरी दीप
उस पद दिया है उस लायक मुझे समझा और उसे पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी से पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस पद को निभाऊंगी ताकि समाज सेवा पूरी तरीके से करूंगी अपनी पूरी टीम को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।